हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। पावन पर्व विजयदशमी, दशहरा, नीलकंठ दर्शन एवं शमी पूजन दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों मनाया जाता है दशहरा? विजयदशमी पर नीलकंठ और शमी वृक्ष के दर्शन क्यों शुभ माने जाते हैं, आज इसी पर बात करते हैं। दशहरा पर शस्त्र पूजा क्यों की जाती है? दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन को शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी पर कहा गया है कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो। इन पंक्तियों में नीलकंठ को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और फलदायी और शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वालों के लिए बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व जीत का पर्व है, विजय का पर्व है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं, ऐसी हमारे पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है। नीलकंठ पक्षी हमारे किसानों का भी मित्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का मित्र भी है, क्योंकि सही मायने में नीलकंठ किसानों के भाग्य का रखवाला होता है, जो खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों की फसलों की रखवाली करता है। विजयदशमी पर शमी के पेड़ का बहुत महत्व है। विजयदशमी पर रावण दहन के बाद कई प्रांतों में शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है, तो कई जगहों पर इसके वृक्ष की पूजा का प्रचलन है। अश्विन मास के शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के 9 दिन बाद दशहरा अर्थात विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक इस पर्व के दौरान रावण दहन और शस्त्र पूजन के साथ शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। संस्कृत साहित्य में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। महाभारत के युद्ध में पांडव ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छिपाए थे और बाद में कौरवों की जीत हुई थी, इसीलिए शमी वृक्ष का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। अश्विन नवरात्र के बाद आने वाली दशमी दशहरा हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। अश्विन कार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग, बीज बोना। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य मिलती है। प्राचीन काल से ही हमारे राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के रूप में तो मनता ही है, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है। यह दिखाना कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हैं। हर्ष और उल्लास और विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति शौर्य की पूजक है, वीरता की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा एवं चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू है। भारत कृषि प्रधान देश है, जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह विभिन्न
प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। जैसे मैसूर के मैसूर महर की विजयदशमी के दिन दीपमालिका से सज्जा की जाती है। मैसूर के हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगड़ के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूट कर अपने घर वापस आते हैं और फिर वही स्वर्ण आपस में आदान प्रदान किया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि यह कितने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरम्भ हो जाती है। स्त्रियाँ पुरुष बच्चे सभी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तुरही बिगुल ढोल नगाड़े बांसुरी आदि जिसके पास जो भी वाद्य होता है उसे लेकर घर से निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से पूजन कर जुलूस निकालते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। नर्तक नटी नृत्य करते हैं और नगर के प्रमुख भागों की परिक्रमा करते हैं। कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे का उत्सव आरंभ होता है। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाइयों और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं व मैदानों में मेले लगते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी हैं जो दुर्गा का ही रूप है। यह पर्व पूरे 75 दिन तक चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस से अश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन जिसे काक्षिण गादी कहते हैं देवी से समारोह आरंभ की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों की सेज पर विराजमान होती है जिसे काक्षिण गादी कहते हैं। यह कन्या एक कन्या एक अनुसूचित जाति की है जिससे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। यह समारोह 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसके बाद जोगी बिठाई होती है। इसके बाद भीतर रैनी और बाहर रैनी यानी विजयदशमी रथ यात्रा, अंत में मुरिया दरबार होता है। इसका समापन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है। बंगाल उड़ीसा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह बंगालियों ओड़िया और असम के लोगों का सबसे मुख्य त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा और असम में यह 4 दिन तक त्यौहार चलता है। यहाँ दुर्गा देवी को भव्य सुशोभित पंडालों विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलवाकर दुर्गा की मूर्तियाँ तैयार कराई जाती हैं। इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। त्यौहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल भी मिठाइयों से भरे रहते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन आमंत्रण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है। इसके उपरांत सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन प्रातः और सायंकाल दुर्गा की पूजा में व्यतीत होते हैं। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं। देवी को अस्त्रपूरित विदाई करती हैं। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर से खेलती हैं। इसे सिंदूर खेला कहते हैं। इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े ट्रकों में सजाकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की यात्रा बहुत ही शोभनीय दर्शनीय होती है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है जिसमें 3 देवियों लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी का पूजा होता है। अगले 3 दिन सरस्वती कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है। अंतिम दिन दुर्गा शक्ति की
स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा या कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए शुभ होता है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जैसा कि अभी ऊपर हमने बात की। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है। इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, इसे गरबा कहते हैं। आजकल तो पूरे देश में गरबा होने लगा है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष और स्त्रियां दो रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति फिल्म, पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के पश्चात डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीदी को भी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए, यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए घर खरीदने का या गाड़ी वगैरह खरीदने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। कश्मीर में हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाया जाता है। परिवार के सारे सदस्य 9 दिन तक उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिन तक लोग खीर भवानी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाता है। दशहरे का उत्सव भक्ति शक्ति का समन्वय बताने का दिन है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही वीरता की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो कारण से दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य हो तो शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्धोत इसी हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षा किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे, इसीलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन श्रवण नक्षत्र का युग और अधिक शुभ माना जाता है। शत्रु पर विजय पाने के लिए इस दिन प्रस्थान करना चाहिए। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित कर 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक समी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला बेस में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने समी वृक्ष पर से अपना हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई के करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। दशहरे के दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है, इसीलिए सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। यह ऐसा एक मुहूर्त है जिस दिन बिना मुहूर्त देखे आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन चौमासों में स्थगित कार्य फिर शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन
दशहरे का दिन भगवान श्री राम की पूजा का दिन है। घर के दरवाजों को फूल मालों से सजाया जाता है, शस्त्र वाहन आदि की पूजा की जाती है। दशहरे का त्यौहार बहुत ही पावनता के साथ संपन्न किया जाता है। उसके बाद रावण का दहन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद भगवान श्री राम ने दशमी के दिन ही लंकापति रावण का वध किया था, तब भी से दशहरा पर्व मनाया जाता। वैसे तो रावण बहुत परम ज्ञानी पंडित था, लेकिन अहंकार भाव के चलते उसने सीता का हरण किया था और लंका ले गया। उसने अशोक वाटिका में कैद रखने का दुस्साहस किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम हनुमान की सहायता से राक्षस राज रावण को काबू करने में सफल हुए। उन्होंने रावण को युद्ध में परास्त करके उसे मुक्ति देने का महान कार्य दशमी के दिन किया। श्री राम ने रावण के अहंकार को चूर करके दुनिया को एक मूल्यवान शिक्षा प्रदान की, जिसकी हम सभी को रोजमर्रा के जीवन में जरूरत है। श्री राम की यही सीख मानव जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हमें भी अपने अहंकार, लोभ, लालच, अत्याचारी वृत्तियों को त्याग कर क्षमा रूपी बनकर जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री राम की ऐसी बहुत ही सच्ची हमें मोक्ष प्राप्त की ओर ले जाने वाली है। भगवान राम और सीता हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन समी वृक्ष का पूजन किया जाता है। रावण रचित शिव तांडव स्त्रोत से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन करोड़ों रुपए के फूल बिक्री होते हैं। लोग अपने दरवाजे फूलों की मालाओं से सजाकर उत्सव मनाते हैं। इस दिन लोग अपनी क्षमता अनुसार सोना चांदी वाहन कपड़े तथा बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के दिन कस्बों, गाँवों और शहरों में श्री राम सीता स्वयंवर प्रसंग, राम भक्त हनुमान का लंका दहन कार्यक्रम, रामलीला का बखान करते हुए राम रावण युद्ध के साथ रावण दहन किया जाता है। इस दिन खास तौर पर गिलकी के पकौड़े और गुलगुले बनाने का प्रचलन है। रावण दहन के बाद एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही शमी पत्तों को एक दूसरे को बांटा जाता है। यह पावन पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारे यहाँ तो दशहरे की सुबह चांदी के सिक्के देखे जाते हैं, जो कि विजय का प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इससे हमारे जीवन में धन धान की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।